चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 11वीं बार जवानों के बीच दीपावली मनाई। गुजरात के कच्छ पहुंचे, सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर, 2 बार हिमाचल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार जवानों के साथ दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री गुजरात के कच्छ पहुंचे, यहाँ उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री दोस्तों 11 साल में सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच पहुंचे हैं। इससे पहले मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती और एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया भी पहुंचे थे। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ भारतीय फौज की वर्दी में ही दिखाई दिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। रक्षा मंत्री बोले, कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़ें, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है। जी हां दोस्तों, भारत और चीन की सेना ने गुरुवार को दीपावली के अवसर पर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी, कोंगला और शुचुल मोल्डो से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दीपावली की बधाई दी। इससे पहले बॉर्डर पर देपसोंग और डेमचोंग में दोनों सैनिकों के बीच पीछे हटने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। दोस्तों पेट्रोलिंग को लेकर जल्द ही ग्राउंड कमांडर के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। अरुणाचल के तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि मामले को डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है, मुझसे नाम मत पूछिए, देवेंद्र फडणवीस के दावे से मच गई खलबली। जी हां दोस्तों, भारत की चुनावी रणनीति में महाराष्ट्र काफी अहम है। लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिहाज से यह राज्य बड़े प्रदेशों में से एक है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होना है, ऐसे में सियासी सरगर्मी चरम पर है। इस बार का विधानसभा चुनाव मुख्य तौर पर दो धड़ों के बीच है, एक तरफ सत्तारूढ़ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए है। दोनों राजनीतिक गुटों में 3-3 राजनीतिक दल शामिल है। महायुति के प्रमुख घटक दल बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक दावे से चुनावी राज्य महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। दरअसल दोस्तों फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मुझसे बस उनका नाम मत पूछिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। मुंबई में विपक्ष कॉमन गारंटी जारी करेगा, शरद पवार और उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इस दिन वे मुंबई में महाविकास आघाड़ी की एक संयुक्त रैली में भी शामिल होंगे। रैली में शरद पवार गुट और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि तीनों नेता कॉमन गारंटी भी जारी करेंगे। वहीं दोस्तों बारामती में मीडिया से बातचीत में शरद पवार ने कहा कि 6 नवंबर को मुंबई से विपक्ष का चुनाव अभियान शुरू होगा। एमवीए लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी जारी करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रक्षा मंत्री आर्मी चीफ ने जवानों संग असम में मनाई दिवाली। एलओसी अटारी बॉर्डर पर जवानों ने मिठाई बांटी, फटाके जलाए, एयर चीफ मार्शल जम्मू कश्मीर पहुंचे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बुधवार शाम असम के तेजपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मेघना स्टेडियम में आर्मी के जवानों के साथ दिवाली मनाई और डिनर भी किया। एलओसी और अटारी बॉर्डर पर महिला पुरुष जवानों ने मिठाइयां बांटी। वहीं दोस्तों मोमबत्ती जलाई और आतिशबाजी भी की। वहीं दोस्तों इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने कुछ फ्रंट पर जवानों से मुलाकात कर दिवाली की बधाई दी और उनके साथ नाश्ता भी किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 28 लाख दीपों से जगमग अयोध्या, नया रिकॉर्ड बना। योगी ने राम रथ खींचा, भगवान का राज तिलक किया, बोले मथुरा काशी भी ऐसी ही होगी। जी हां दोस्तों, दिवाली के अवसर पर सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए। इसके साथ ही नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम ने भी इसकी घोषणा कर दी। पिछले साल दोस्तों 22 लाख दिए जलाए गए थे। सीएम योगी ने राम मंदिर में पहला दीपक जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। 1600 अर्चकों ने सरयू आरती की। इससे पहले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से पहुंचे योगी ने उनका स्वागत किया। भगवान रथ पर सवार हुए योगी ने राम रथ खींचा। प्रभु राम को राम कथा पार्क लाया गया, जहां योगी ने राम की आरती उतारी और राज तिलक भी किया। भगवान राम के स्वागत में जगह जगह कलाकार नृत्य करते भी नजर आए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भूमि सर्वे कर्मचारियों को सीएम नीतीश कुमार का दिवाली गिफ्ट, मानदेय 4000 से बढ़ाकर 10000 किया। जी हां दोस्तों, भूमि सर्वे का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। विशेष सर्वेक्षण के काम में लगे विशेष सर्वेक्षण कर्मचारियों को अब बड़ी खुशखबरी मिल गई है। उन कर्मचारियों का मानदेय अब 4000 से बढ़ाकर 10000 कर दिया गया है और इससे करीब 13000 से अधिक संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों को फायदा होगा। दोस्तों मानदेय में बढ़ोतरी नए और पुराने सभी प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होगी। मानदेय में यह बढ़ोतरी 1 अगस्त 2024 से लागू होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी, कहा एक हैं तो सौ हैं को गलत बताया जा रहा है, विपक्षियों को देश की एकता अखर रही है। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी दिवाली और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती के मौके पर गुजरात के केवड़िया में हैं। एकता दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि कभी हम स्कूल कॉलेज में एकता के गीत गाते थे कि हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। आज कोई अगर कह दे कि एक है तो उसे फेंक कहते हैं, अगर कोई कहता है कि एक है तो सेफ है तो इसे गलत बताते हैं। इन लोगों को देश की एकता अखर रही है, हमें ऐसी प्रवृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेचू ऑफ यूनिटी के निर्माण में भी यूनिटी है, इसको बनाने के लिए देश के किसानों के पास से खेत में काम करने वाले औजारों का लोहा लाया गया, क्योंकि सरदार साहब किसान पुत्र थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कचरा ट्रक में बैठकर रैली करने पहुंचे ट्रंप, सफाई कर्मी की ड्रेस में भाषण दिया। बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों को कचरा कहा था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में बाइडेन के ट्रंप समर्थकों को कचरा कहने पर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार शाम को विस्कॉन्स में प्रचार करने के लिए गए थे। यहां वे लाल टोपी और सफाई कर्मी की जैकेट पहने कचरे वाले ट्रक में बैठे नजर आए। ट्रंप ने ट्रक पर बैठकर ही पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि वह कमला और जो बाइडेन के बयान का विरोध करते हैं। बाइडेन ने बिल्कुल वही कहा है जो कमला हमारे समर्थकों के बारे में सोचती है, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अमेरिका के 25 करोड़ लोग कचरा नहीं है। दरअसल दोस्तों 29 अक्टूबर को बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों को कचरा कहा था। बाइडेन ने एक ट्रंप समर्थक कॉमेडियन की टिप्पणी पर यह जवाब दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल ने नोट छापने का ठेका चीनी कंपनी को दिया, 100 रुपए की 30 करोड़ प्रतियां छपेगी। नोट पर बने मैप में 3 भारतीय इलाके। जी हां दोस्तों, नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ने चीन की एक कंपनी को 100 रुपए के नए नेपाली नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इन नोटों पर बने नक्शे में भारत के लिम्पू लेख, लिम्पिया धुरा और कालापानी इलाके को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। इस इलाके को लेकर भारत नेपाल के बीच करीब 35 साल से विवाद चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन कंपनी को नोट छापने का ठेका मिला है। चीन की कंपनी नेपाली नोट की 30 करोड़ प्रतियां छापेंगी। इस पर करीब 75 करोड़ भारतीय रुपए का खर्च आएगा, यानी कि 100 रुपए के एक नेपाली नोट को छापने की कीमत करीब 2.5 रुपए भारतीय होंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान को हत्या की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार, 56 साल के आरोपी ने ट्रैफिक पुलिस को भेजा था मैसेज, 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोपी को बुधवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान अजम मोहम्मद मुस्तफा के रूप में हुई है। उसकी उम्र 56 साल है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी मुंबई के बांद्रा का ही रहने वाला है। आजम ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मैसेज भेजा था जिसमें कहा गया था कि पैसे न देने पर अभिनेता की जान ले ली जाएगी। मैसेज मिलने के बाद वर्ली में मौजूद अधिकारियों ने मैसेज भेजने वाले के खिलाफ जाँच शुरू कर दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कस्टम ड्यूटी जीएसटी रेट घटाने के बावजूद सस्ती नहीं हुई कैंसर की दवाएं, अब सरकार ने दिया यह आदेश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों से 3 एंटी कैंसर दवाओं की कीमतों को घटाने का आदेश दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 23 जुलाई को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को शून्य करने का ऐलान किया था। इसके बाद 9 सितंबर 2024 को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को घटाकर 12% से 5% कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों सस्ती कीमतों पर कैंसर की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिनमें इन दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को 3 एंटी कैंसर दवाओं पर MRP घटाने का आदेश दिया गया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कांतारा एक्टर ऋषभ शेट्टी जय हनुमान में निभाएंगे बजरंग बली का रोल, फर्स्ट लुक देख फैंस बोले जय श्री राम। जी हां दोस्तों, प्रशांत वर्मा की मच अवेटेड फिल्म जय हनुमान की जब से घोषणा हुई है मूवी सुर्खियों में है। जय हनुमान प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। फिल्म हनुमान की जबरदस्त सफलता ने इसे और भी खास बना दिया है। अब सबकी नजरें जय हनुमान पर टिकी हुई है। दोस्तों मूवी सबसे पवित्र और प्रसिद्ध पौराणिक सुपर हीरो को जीवित करने वाली है। यह एक अनोखा सिनेमा अनुभव देने का वादा करती है, क्योंकि इसके हाल ही में रिलीज किए गए फर्स्ट लुक में हम कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी को भगवान हनुमान के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों जय हनुमान का पहला पोस्टर जारी किया गया है, जिसने दर्शकों के बीच चर्चा का माहौल बना दिया है। भगवान हनुमान को उनकी पूरी ताकत में देखते हुए नए पोस्टर ने फैंस को इसकी रिलीज के लिए एक्साइटेड कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गाय के गोबर से रोशन होगी अमेरिका और मॉरिशस में दिवाली, कलरफुल दीपकों की जबरदस्त डिमांड। जी दोस्तों, जयपुर के पिंजरा पोल गौशाला में गाय के गोबर से दीपक तैयार किए जा रहे हैं, जहां महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से ग्रामीण अंचल की महिलाएं देसी गाय के गोबर से रंग बिरंगे दिए बनाने में जुटी हुई है। यह दीपक जयपुर ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के बाजारों में काफी पसंद किए जा रहे हैं। अब विदेश से भी जमकर ऑर्डर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका हो या फिर मॉरिशस, कई देशों में लाखों दीपक भेजे जा चुके हैं। गौशाला में करीब 10 महिलाएं एक दिन में करीब 8000 दिए तैयार कर रही हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, आपने इस बार दीपावली पर दिए जलाए हैं या फिर मोमबत्ती जलाई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिवाली के दिन शेयर बाजार में गिरावट रही, सेंसेक्स 553 अंक गिरकर 79,379 के स्तर पर हुआ बंद, निफ्टी भी 135 अंक गिरा। जी हां दोस्तों, दीपावली के दिन शेयर बाजार में गिरावट रही, सेंसेक्स 553 अंक गिरकर 79,389 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 135 अंकों की गिरावट रही है और यह 24,205 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के आज 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और महज 8 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 34 में गिरावट और 16 में तेजी देखने को मिली। एशियाई बाजार में जापान के निकेई में 0.41% की आज गिरावट रही, वहीं कोरिया का कोस्पी 0.82% और चीन का संघाई कंपोजिट 0.36% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा कंज्यूमर रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में शिप्ला, श्रीराम फाइनेंस और HDFC लाइफ रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दीपावली पर सोने में तेजी, चांदी में आई गिरावट, सोना 58 रुपए बढ़कर 79,639 पर पहुंचा, चांदी 1,127 रुपए सस्ती होकर 96,913 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हां दोस्तों, दिवाली पर सोने में तेजी और चांदी में गिरावट देखने को मिली। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 58 रुपए बढ़कर 79,639 के स्तर पर पहुंच गया। एक दिन पहले सोने की कीमत 79,581 रुपए थी। वहीं दोस्तों कारोबार के दौरान सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी के भाव में आज गिरावट देखी गई। आज चांदी 1,127 रुपए गिरी और इसकी कीमत अब 96,913 रुपए प्रति किलोग्राम है। एक दिन पहले चांदी 98,040 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लॉरेंस गैंग में 700 शूटर, जिनमें 70% हरियाणा पंजाब के, छोटी उम्र के क्रिमिनल्स का जेल से सिलेक्शन होता है, मूसेवाला, गोगा मेडी और सिद्ध की मर्डर में भी शामिल। जी हां दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस का नाम इन दिनों देश से लेकर विदेश तक में चर्चाओं में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस गैंग के लिए करीब 700 से ज्यादा शार्प शूटर काम कर रहे हैं। इनमें से 70% शूटर पंजाब और हरियाणा में है, बाकी 30% शूटर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली और अन्य राज्यों में है। दोस्तों पंजाब और हरियाणा में लॉरेंस गैंग का बड़ा नेटवर्क है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ में छात्र राजनीति के दौरान लॉरेंस के हरियाणा और पंजाब के कई प्रमुख छात्र नेताओं के साथ लिंक बने, जो इस वक्त राज्य में अपनी अच्छी पेट रखते हैं और राज्य के अच्छे जानकार भी हैं। हरियाणा में काला जठेड़ी, अनिल रोहिल और राहुल बाबा प्रमुख गैंग हैंडलर है। दोस्तों पंजाब और हरियाणा की जेलों में बंद इन गैंगस्टरों के गुर्गे शूटरों को जोड़ने का काम भी करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंग्लिश कप्तान स्टोक्स के घर हुई चोरी, कीमती सामान और मेडल ले गए चोर, खिलाड़ी ने फोटो पोस्ट की।
जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक के घर में चोरी हो गई है। चोर उनके घर से कीमती सामान, ज्वेलरी और मेडल ले गए हैं। यह जानकारी खुद बेन स्टोक ने बुधवार रात एक्स पोस्ट के जरिए दी। स्टोक्स ने एक अपील के साथ चोरी किए गए सामान की फोटो भी जारी की। स्टोक्स ने लिखा है कि जब वे इंग्लैंड टीम के साथ पाकिस्तान दौरे पर थे तो 17 अक्टूबर को उनके घर पर चोरी हुई थी। स्टोक्स ने कहा कि चोरी तब हुई जब मेरी पत्नी और दो छोटे बच्चे घर में थे। अच्छा है कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्पेन में 50 साल में आई सबसे भीषण बाढ़, 95 लोगों की मौत, कई लापता, देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। जी दोस्तों, स्पेन में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ की वजह से अब तक 95 लोगों की मौत हो गई है। CNN के मुताबिक वलेशिया शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अब भी कई लोग लापता हैं। BBC के मुताबिक स्पेन में पिछले 50 साल में बाढ़ से मरने का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले साल 1973 में बाढ़ से 150 लोगों की मौत हुई थी। राज्य मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी स्पेन में बुधवार को कई जगह पर कुछ ही घंटे में 12 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई। वैलेशिया के एक अधिकारी ने बताया कि सिर्फ आधे घंटे में शहर में तबाही मच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रामदास अठावले जैसा मंत्री बनने से बेहतर है पार्टी खत्म कर दूं, राज ठाकरे का बड़ा निशाना। जी हाँ दोस्तों, ABP न्यूज के खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं ने भाग लिया, जहां उन्होंने राज्य की राजनीति और पार्टी के मुद्दे पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से चीफ राज ठाकरे ने राजनीति में स्थिति और अनुभव साझा किया। उन्होंने मंत्री या मुख्यमंत्री न बन पाने पर कहा कि रामदास अठावले जैसा मंत्री बनने से अच्छा है कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल का दिवाली के दिन BJP को तगड़ा झटका, 3 बार के विधायक आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले राजनीतिक शहमात का खेल जारी है। अभी तक तो आप सुन रहे थे कि BJP में दूसरे दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक उल्टी खबर आई है कि BJP के मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ सप्ताह पहले आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों ने BJP का दामन थाम लिया था। अब केजरीवाल की आपने भाजपा को जोरदार झटका दे दिया। पार्टी के सीनियर लीडर और 3 बार के विधायक ब्रह्म सिंह तंवर ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार बड़ी सफलता हासिल कर रही है। ऐसे में इस बार BJP वापसी की जुगत में है। इसे देखते हुए नेताओं के इधर से उधर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूस का गूगल पर ग्लोबल GDP का 620 गुना जुर्माना, यूट्यूब चैनल बंद करने पर कोर्ट ने लगाया फाइन, रूस में गूगल दिवालिया घोषित। जी हाँ दोस्तों, रूस की एक अदालत ने गूगल पर 20 डेसिबिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। यह रकम पूरी दुनिया की GDP का 620 गुना से भी ज्यादा है। दोस्तों इसका मतलब है कि दुनिया के सभी देशों की GDP को 620 बार जोड़ा जाए, तब जाकर यह रकम जमा होगी। दरअसल दोस्तों, गूगल ने 2020 में रूस समर्थक 17 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया था। इनके खिलाफ चैनल्स ने कोर्ट केस किया था। कोर्ट ने 2020 में सुनवाई करते हुए चैनल्स पर से बैन हटाने तक रोजाना 1,00,000 रूबल रूसी करेंसी का जुर्माना लगाया था। इसके लिए 9 महीने का वक्त दिया गया था। यदि इस दौरान कंपनी जुर्माना नहीं चुकाती है तो हर 24 घंटे में यह दुगना हो जाएगा। अब यह जुर्माना 20 डेसिबिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। NPS में पैसा लगाने वालों के लिए गुड न्यूज, जिस दिन निवेश करेंगे उसी दिन मिलेगा NAV का फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी NPS में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल दोस्तों, पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी NPS वालों के लिए T+0 सेटलमेंट सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अब किसी भी निपटान के दिन सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक को मिलने वाला NPS योगदान उसी दिन निवेश कर दिया जाएगा। इससे NPS निवेशकों को उसी दिन के नेट असेट वैल्यू का फायदा मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों, जिस दिन आप पैसा लगाएंगे उसी दिन आपका पैसा लिस्ट हो जाएगा और आपको बिना विलंब के उसी दिन से रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भगवान श्री राम को कितने वर्ष का वनवास मिला था? जी दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भगवान श्री राम को कितने वर्ष का वनवास दिया गया था तो जल्दी से वह संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।